दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑर्डनेंस फैक्ट्री के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको पीवीआर और मेडिकल और ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल होगा या पहले होगा? पीवीआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ऐसे ही तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब लेकर आया हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिकल। दोस्तों और भाइयों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन जिस फैक्ट्री में हुआ है उस फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए आप, क्योंकि आगे का पूरा प्रोसेस जो है आपका वो आपकी अपनी फैक्ट्री करेगी, क्योंकि पीवीआर का पीडीएफ आपको सिलेक्टेड फैक्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कुछ फैक्ट्रियां आपके दिए हुए एड्रेस पर पोस्ट कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निकल टिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो टेक्निकल टिकल चैनल पर अपलोड होगी उसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है। पीवीआर मिलने के बाद अगर आपको बाय पोस्ट घर से फैक्ट्री से घर पर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको आपकी फैक्ट्री से लॉगिन करके पीवीआर को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उसका 3 सेट या 5 सेट में फ़ोटो कापी करा लें। प्रत्येक सेट के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सभी की एक एक कॉपी 3 या 5 सेट के साथ अटैच कर लें और सभी पर एक एक फ़ोटो चस्पा कर लें, और शायद गैजेट ऑफिसर से डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी को वेरीफाई भी कराना होगा। उसके बाद आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र के 2 लोगों के नाम पीवीआर कॉपी में मेंशन करना होगा और उनके सिग्नेचर और आईडी भी साथ में पीवीआर के साथ अटैच करना पड़ेगा। 2 लोग वो होंगे जैसे आपके गांव के प्रधान, कोटेदार या अन्य कोई, और अंत में सभी डॉक्यूमेंट को एक A4 लिफाफे में रखकर आपके सिलेक्टेड फैक्ट्री का एड्रेस और अपना नाम और पता लिखकर उस फैक्ट्री में बाय पोस्ट कर दें, या अगर फैक्ट्री आपके घर से नज़दीक है या खुद आप उसे खुद जाकर सबमिट कर सकते हैं। पीवीआर फैक्ट्री को रिसीव होने के बाद आगे की प्रक्रिया फैक्ट्री सेल्फ करेगी और पीवीआर को फैक्ट्री आगे की इंक्वायरी के लिए भेज देगी संबंधित विभाग में। वेरिफिकेशन के लिए आपके क्षेत्र के पुलिस आपके घर आएगी इंक्वायरी के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया होने के बाद फैक्ट्री आपके घर पर मेडिकल टेस्ट के लिए लेटर भेजेगी और आपको दी गई तारीख पर वहां पहुंचकर मेडिकल कराना होगा फैक्ट्री से संबंधित हॉस्पिटल में। और आपके पत्र में ये भी मेंशन होगा कि मेडिकल वाले दिन या मेडिकल के 1 या 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया कुछ फैक्ट्री मेडिकल के बाद ज्वाइन करा लेती हैं या फिर 1 से 2 दिन का समय देती हैं, सभी हर फैक्ट्रियों का अलग अलग रूल है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में आपको पीवीआर की प्रक्रिया के बारे में बहुत ही सहज व सरल तरीके से बताया गया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको आसान तरीके में दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आपने देखा और जानकारी प्राप्त की उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।